उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक विशेष सभा प्रांतीय महामंत्री लोकेश अग्रवाल की अध्यक्षता में कटरा नाच कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें संगठन से जुड़े अनेकों गणमान्य व्यापारियों ने भाग लिया। सभा में अध्यक्ष पद से बोलते हुए लोकेश अग्रवाल ने कहा, लखनऊ में 28 जनवरी को संस्था के चुनाव के पश्चात फरवरी में प्रथम सप्ताह GST, द्वितीय सप्ताह बैंकों में चार्ज तथा तृतीय सप्ताह में व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर आंदोलन की तैयारी की जाएगी, साथ ही सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। सभा में बोलते हुए सर्वेश अग्रवाल ने कहा कि सेविंग अकाउंट से लेकर बड़े अकाउंट तक पर भारी चार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह अनुचित ही नहीं अर्थात गलत भी है। पूरन सिंह सैनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि चेक कैश के लेन देन एवं बैंक स्टेटमेंट पर शुल्क उचित नहीं, ये व्यवस्था गरीब जिन्हें सरकार ने बैंकों से जोड़ा उन्हें तोड़कर रख देगी। सभा में नीलकांत अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, युद्धवीर सिंह, विपिन गुप्ता, अनूप गुप्ता, विभोर अग्रवाल, तुषार कपूर, हनीफ चिश्ती, ओवैस खान, अमित अरोरा आदि लोग उपस्थित रहे। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र अपना कार्य करने की इसी तरीके से GST है, उसी का एक रूप मौजूदगी है, उसी का एक रूप आपका मंडी समिति को हटाना है, उसी का एक रूप खाद्यान्न पर मल्टीनेशनल कंपनी को छूट देना स्टॉक यूनिट से करवा। आज रात को लेकर मीटिंग, मैं व्यापार मंडल का प्रांतीय महामंत्री हूँ। हमारे व्यापार मंडल के 28 तारीख को प्रांतीय निर्वाचन लखनऊ में होंगे, जिस चुनाव की तैयारी के लिए मैं आज मुरादाबाद के व्यापारी को चुनाव के लिए आमंत्रित करना है। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर बैंक से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित, GST से संबंधित और इनकम टैक्स से संबंधित समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और उसे इकट्ठा कर 28 तारीख के जो व्यापारी महासम्मेलन लखनऊ में होने जा रहा है उसमें एक आंदोलन की रणनीति तय करने की भूमिका बना रहे हैं। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं, एक सीधी सादी व्यापारियों का कारोबार छीन कर मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को देने की साजिश चल रही है। हमने बीड़ा उठाया है, उस साजिश को बेनकाब कर देंगे और बेनकाब कर व्यापारी का उत्पीड़न करने वाले एक एक अधिकारी, एक एक नेता, एक एक सरकार को ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे। बिजली विभाग चेकिंग करने जाता है, व्यापारी का उत्पीड़न करने के नाम पर, इंडस्ट्री का उत्पीड़न करने के नाम पर 20,000 रुपए समन शुल्क के नाम पर वसूली करता है। जब आपके हर ट्रांसफार्मर पर मीटर लगे हुए हैं और आपको लाइन लॉस का तुरंत पता चल जाता है तो आपके घर बैठे बिजली का क्यों नहीं पता चलता है? बिजली चोरी कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? चोरी की बिजली बेची जाती है और जो ईमानदारी से बिजली का बिल दे रहा है उसे मुलजिम बनाकर बिजली चोरी का नाम लिया जाता है। जिस तरह GST के भयानक जाल में व्यापारी को फंसाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज हमारी सरकार उस आने वाले खतरे से जानबूझकर अनजान बनी बैठी है, आग मूंद कर बैठी है, जो खतरा सरकार के राजस्व तंत्र पर मंडरा रहा है। अगर GST में सरकार ने शीघ्र सुधार नहीं किया तो अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चौपट हो जाएगी। बैंक का एक नया आदेश हो जाता है, अगर आपने बैलेंस की इंक्वायरी करी तो आपके 24 रुपए कट गए ATM से, अगर आप स्टेटमेंट लेने जाओगे तो आपको 50 रुपए देने हैं, चेकबुक लेने जाओगे तो 250 रुपए देने हैं। जब आप हमारा पैसा मिनिमम बैलेंस का जमा करते हो उस मिनिमम बैलेंस के पैसे के ब्याज से बैंक अपना खर्चा पूरा कर सकता है। NPA बढ़ने के लिए व्यापारी या उद्योगपति जिम्मेदार नहीं है, NPA बढ़ने के लिए बैंक जिम्मेदार है। उसके NPA का नाम लेकर बैंक चार्जेस वसूल कर व्यापारी का उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए तो बैंकों का NPA घट जाएगा, व्यापारी अपना कारोबार अच्छी तरीके से। दीपक जी, आज क्या इस बात को लेकर? आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक है वो इस बात को लेकर कि पहले नोटबंदी, उसके बाद GST, अब बैंक की समस्या है। व्यापारी ऑलरेडी जो टर्नओवर पहले करता था 4 रुपये, वो अब इस महीने उसका टर्नओवर हो गया 1 रुपया। अगर इस तरह यह सब चलता रहा तो व्यापार लुटपाट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ठीक है व्यापारी
अपने घर से तो निकाल ही नहीं पा रहा, नुकसान में जा रहा है लगातार, और पहले के मुकाबले हजारों लाखों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और कारोबार पे फर्क पड़ा है। मैं इस मंच के द्वारा आह्वान करता हूँ कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न हो, और अगर होता है तो हम इस मंच के द्वारा हर तरह से आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें इसके लिए नगर पूरा बंद बना करना पड़े। धन्यवाद।